अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएफएन हैदराबादी चैनल। आज हम बनाएंगे ट्राइफल पुडिंग। तो इसको बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टैंग, ये टैंग बना ले सकते हैं आप, या फिर कोई भी स्क्वैश ले सकते हैं ऑरेंज फ्लेवर में। ऑरेंज फ्लेवर में ज़्यादा अच्छा दिखता। और ये तो टैंग है। ड्राई फ्रूट्स चाहिए और ये टिंड फ्रूट्स है। आप फ्रेश फ्रूट्स भी कट कर सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, पपाया, एप्पल, ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं। और हमको चाहिए केक। अब हम नेक्स्ट एक ट्रे ले लेंगे जिसमें हमको सेट करना है। आप डायरेक्टली वही ट्रे ले लीजिए। और हम अभी को ये ऐसा केक मिला, तो केक का बीच का पार्ट ले रही हूँ मैं, वाइट कलर का। आप कौन सा भी केक ले सकते हैं। ये वाइट वनीला फ्लेवर रहता, इसलिए वाइट ले रही हूँ। चॉकलेट को मैं छोड़ दे रही हूँ, चॉकलेट केक नहीं लेंगे, सिर्फ वनीला फ्लेवर ले लीजिए। और अब हम इसको जैसा आप सेट करना है उसको पीसेस में कट कर लेके उसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। तो ऐसा हम लोग सेट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस कट करके। आपको जितनी ज़रूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है, आप उतना कर सकते। और नेक्स्ट ये जो टैंग बनाए हम लोग, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। ये सॉफ्ट हो जाता केक और उसमें एक फ्लेवर भी आता, इसलिए हम लोग इसको कोई एक अच्छे ऑरेंज फ्लेवर में सोक कर दे रहे हैं। अब ये केक अच्छी तरह से टैंग में सोक हो गया। अब हम नेक्स्ट डालेंगे हमारे टिंड फ्रूट्स जो हम लिए। आप ऐसा इस तरह अरेंज कर दीजिए फ्रूट्स को। नेक्स्ट हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। साइड में डालिए आप ड्राई फ्रूट्स को, ताकि हम बीच में आइसक्रीम डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम अब आइसक्रीम स्लाइस करके इसके ऊपर डालेंगे। आप स्लाइस भी कर सकते हैं या पूरा ब्रिक भी आप रख सकते हैं आइसक्रीम का। रेडी से डेकोरेट कर सकते हैं।